अवैध शराब की आशंका में गत दिनों रेटवा के आदिवासी युवक की शराब ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा पिटाई के चलते हुई मौत के मामले में शनिवार को दूसरी बार आदिवासी समाज ने आक्रोश दर्ज करवाया है। जयेश के बैनर तले जिले सहित आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मुख्यालय पर इकट्ठा हुए थे। शराब ठेकेदार को मुख्य आरोपी बनाते हुए परिवार को आर्थिक सहायता देने सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर करीब 3 घंटे नवग्रह पुल पर तो 2 घंटे तक कलेक्टर कार्यालय के सामने खंडवा बड़ौदा और चित्तौड़ स्टेट हाईवे को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन कर आक्रोश दर्ज कराया गया, जिसके चलते नवग्रह पुल सहित कसरावत रोड पर जाम के हालत बन गए थे। वाहन चालक लिंक रोड पुराने पुल पर सहारा लेकर आवाजाही करते हुए नजर आए। शाम करीब 6 बजे SDM के 15 दिनों में मांगों पर विचार करने के आश्वासन के बाद आंदोलन का समापन हुआ। धरना प्रदर्शन में शामिल हुए जयेश के संस्थापक सदस्य महेंद्र सिंह कन्नौजी ने बताया कि हम बेवजह इसे मुद्दा नहीं बना रहे। अवैध शराब की आड़ में शराब ठेकेदार के गुंडे आम जन पर हमला कर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे, जिसके इशारे पर आदिवासी युवक की पीट पीट पर हत्या कर दी गई, उसे शासन प्रशासन क्यों बचा रहा है? आबकारी अधिकारी पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। कन्नौजी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सहित खरगोन जिले में आदिवासियों पर लगातार इस तरह के हमले जारी हैं। इसके पूर्व भी गोगावा कसरावत में भी ऐसे मामले हुए हैं, जिसमें अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। अरे जब जब सरकार डरती है, जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, अरे जब जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। सूचना भी से दे दे कि कलेक्टर महोदय को जितना भी जल्दी हो सके आकर हमसे मिल ले, अन्यथा व्यवस्था बिगड़ेगी तो उनके हाथों में रहेगी वो, हम हमारी जवाबदारी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इसकी सूचना पहले ही उनको दे दी थी। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि खरगोन के गोगावा तहसील में 3 घटना अभी हो चुकी है मात्र 2-3 महीने के अंदर, लेकिन फिर भी खरगोन के प्रशासन इतनी निकम्मी है, इतनी नाकारे है कि अभी तक कोई भी उन पर ठोस सबूत नहीं पेश कर पा रही और उन पर कार्रवाई नहीं कर पा रही है। इधर सामने आके बैठ जाइए। हम कब तक हमारे लोगों के लिए, एक व्यक्ति मरता है तो हमारे 1000 लोग आते हैं, तब जाके कार्रवाई होती है? क्या हमारा समाज इतना कमजोर है? क्या हमारे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है? अरे इस देश का सुप्रीम कोर्ट हमें मालिक बोल रहा है और आप लोग हमको निकम्मे, क्या समझ क्या रखे हो आप लोग? शासन प्रशासन ठेकेदार को क्या बोलना चाहिए, उसको संरक्षण दे रही है? उस गाड़ी में जिस बुलेरो से उनको बुलेरो से पीछा किया था, उस गाड़ी का मोटरसाइकिल का, उसमें 4 लोग थे। अंदर करके उस थाने तक लेके आई, उसका वीडियो मेरे पास में था। वीडियो होगा और मैं आज अभी आपके मंच से ऐलान करता हूँ कि सुन लीजिए मेरी बात, एक मिनट सुनो मोहन। यदि कोई पुलिस अधिकारी गलत कार्रवाई करता है तो हम हर साल कम से कम 50 पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करते हैं। पुलिस के अंदर इतनी सख्त जांच प्रक्रिया है, यदि आप कोई एविडेंस देंगे कि किसी पुलिस ने कोई गलत काम किया है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और उस भाई ने हमको बताया कि उनके पास हथियार तक थे,
अब ये समझ में नहीं आ रहा है हमको कि हमारे आदिवासी लोगों को मारने के लिए यहाँ के ठेकेदार गुंडे हथियार लेकर घूम रहे और पुलिस प्रशासन नाकारी निकम्मी कर क्या रही है। अगर दारू पकड़ने का काम आबकारी विभाग का है, तुरंत हमने अरेस्ट कैसे नहीं, कैसे पुलिस अधिकारियों ने अरेस्ट कराए, स्टेट के बाहर नहीं, जिसके लिए काम कर रहे थे। अरे चार घंटे के अंदर सुनो, चार घंटे के अंदर आप आदमी ढूंढ के बता दो, जाओ आराम से समझदारी से। चार घंटे के अंदर हमने तुरंत अरेस्ट करा है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में आप दो एविडेंस देंगे, चार करते हैं न्यायालय मेन है, न्याय वकील साहब आप जो हमारा आदिवासी भाई था दिनेश पिता अमर सिंह ग्राम रेटिया का रहने वाला, ये घटना 8 दिन पहले की है, रविवार की है। वो लोग आ रहे थे खरगोन की ओर आ रहे थे और बीच में बढ़िया फटा पर रोक कर शराब माफिया के गुंडों ने उनको दौड़ा दौड़ा के पीट पीट के मार दिया। हम एसपी साहब दूसरे दिन एसपी साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उसके बाद दूसरे दिन कलेक्टर महोदय से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया, पर अभी तक हमारी मांग नहीं हुई है पूरी। इस तरीके से आज आपने सड़क भी जाम की है, पुल भी रोका हुआ है और प्रशासन आपसे बहुत चालू है, नहीं आ रहा है उसको लेकर क्या? जो चक्का जाम रोड चालू है, वैकल्पिक व्यवस्था में रोड चालू है, पीछे का हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको जो जगह दी गई थी वहां पर पानी पूरा भर गया है, इस वजह से हम यहां रोड पर बैठे हैं। और हमारी मांगे है, मुख्य मांगे है कि जो शराब माफिया है उसके खिलाफ 302 का मुकदमा हो, उसके सारे लाइसेंस रद्द हो, जितनी भी दुकानें उसे सील किया जाए, और जो पीड़ित परिवार है उसको एक किसी भी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला अकेली है, उन्हें छोटे बच्चों को सरकार भरण पोषण के लिए और शिक्षा के लिए उनको सुविधा दे, और हम चाहते कि 1 करोड़ की सहायता राशि सरकार दे। और जो आबकारी विभाग का मुख्य अधिकारी है उसके श्रेय में आज आबकारी विभाग के लोग गुंडे माफिया लोग दौड़ा दौड़ा के हमारे आदिवासियों पर मार रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, और पुलिस विभाग में जो संबंधित थाना क्षेत्र है और संबंधित चौकी है, आप लोग जनता की सेवा के लिए बैठे हो। आज खरगोन जिले में जनता को आदिवासी युवक को दौड़ा दौड़ा के हर चौराहे पे मारा जा रहा है, तो आप किस लिए बैठे हो? इसलिए पुलिस के जो संबंधित अधिकारी है उन पर भी कार्रवाई की जाए। धरना प्रदर्शन कब तक के जारी रहेगा? अभी हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, पर हमारे सारे साथी अभी विचार विमर्श करेंगे, और हमारी मांगे अगर कलेक्टर महोदय आकर मान ली जाती है तो हम उस धरना प्रदर्शन को खत्म करेंगे, या फिर आगे अभी विचार विमर्श कर निर्णय होगा। मुख्यमंत्री भी खरगोन आ रहे हैं, उनको भी अपने हम मुख्यमंत्री को बात पहुंचाना चाहते हैं, जो गृह मंत्री है उनको भी पहुंचाना चाहते कि आज खरगोन जिले में कई हत्याएं हो चुकी है, अभी कई हत्याएं बिस्टान थाने पे एक आदिवासी महिला को मार दिया गया, उसके गहने छीनने के बाद आज तक वो अपराधी नहीं पकड़ा गया, ऐसी कई हत्याएं और कई प्रकरण पुलिस द्वारा किया जा रहा है, तो उस पर अंकुश लगे। और हम कहना चाहेंगे कि इस अमर दिनेश पिता अमर सिंह के कांड में पूरा सहयोग दे। मैं सुभाष पटेल, आदिवासी एकता परिषद जिला अध्यक्ष खरगोन। उन्होंने कुछ 6 बिंदुओं पर अभी मांगे रखी गई है, इस पर विधि पूर्वक हमने संज्ञान में लिया है। क्या मामला था सर? क्या आए थे? जो कोई मृत व्यक्ति था जो शराब से संबंधित मामले में मृतक हुआ था, उससे संबंधित मामले इन्वेस्टिगेशन, उससे जुड़ी विभिन्न जानकारियों के संबंध में ज्ञापन दिया है। 1 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग, सरकारी नौकरी की मांग, जो भी विधिक होगी मांग के साथ उन्होंने स्वीकारा कि शासन के जो भी निर्देश होंगे, नियम होंगे, उतनी हम उनको विधिक सहायता करेंगे और आर्थिक सहायता करेंगे। सर, आप के खिलाफ जो है उसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मैनेजर की मांग? क्यों नहीं, इन्वेस्टिगेशन में जो भी व्यक्ति आएगा, कोई भी हो, एसपी साहब ने खुद कहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो लोग भी आएंगे, अभी हमने 4 लोगों को अरेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टिगेशन जारी है, पहचान भी उनकी आइडेंटिफाई अभी हो रहा है, और इसके जो भी जांच में आएगा उन सबके खिलाफ कार्रवाई की। आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया कि जितनी बिंदुवार मांग है उनको सभी बिंदुवार उस चीज को अपन नियमानुसार लेंगे, और जो भी कार्रवाई सुनिश्चित होगी विधि पूर्वक उसको हम करेंगे। कुछ समय भी दिया सर? क्यों नहीं, जब समय तो ऐसा जितने समय में पूरी हो सकती है जल्द से जल्द करेंगे नियम से। 15 दिन का समय? नहीं, 15 दिन में तो बहुत से बिंदु है जिनमें से आर्थिक सहायता है जो अपन दे सकते हैं वो अपन करेंगे, और बाकी चीजों के लिए वो खुद कह रहे हैं कि हमको एविडेंस उपलब्ध कराएंगे, सहायता उपलब्ध कराएंगे, तो अपन करेंगे। अभी तो सहायता आर्थिक सहायता करीब 4 लाख रुपए की, इसका
प्रमाण पत्र वाला इश्यू सॉल्व कर दिया है, उसके अंतर्गत 4 लाख 3 हजार की और है, इसके अंतर्गत और भी विधिक सहायता संबल में हो तो 4 लाख रुपए है, इसके अंतर्गत और भी सहायता है जो अभी हम उसको संज्ञान में ले रहे हैं। लिखित में आश्वासन दिया नहीं, उनमें लिख करके उन्होंने मांगा है तो वो तो ज्ञापन जब कोई देते तो रिसीप्ट देते ही है। चेतावनी दे रहा था 15 दिन में अगर हुआ नहीं, नहीं वो तो उनने संज्ञान का कहा है, जो भारतीय नागरिक है उनकी ड्यूटी बनती है कि किसी को हमारे नॉलेज मिला है तो ये तो विधिक मामला है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।